एक सवाल ये है कि एक इंडियन प्लेयर का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अपने दौर में जो बेस्ट प्लेयर थे पाकिस्तान के जिन्हें वो आउट नहीं कर पाते थे, उनमें इंजमाम अलग थे। तो ऐसे पाकिस्तान में क्यों नहीं मजीद खिलाड़ी आ रहे जो आपकी तरह आउट ना हो पाए और लंबी क्रिकेट खेल पाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में देखा है लोग कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते, ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज अपनाते जा रहे हैं। देखिए आज है ना, जो हमारा टाइम था ना वो दौर डिफरेंट था और उस टाइम डिफरेंट क्रिकेट होती थी। आजकल हमें नहीं ऐसे प्लेयर चाहिए कि जो आउट ना हो, तो हमें ऐसे प्लेयर चाहिए कि जो तेज़ खेल सके, जो टीम की रिक्वायरमेंट में खेल सके। आजकल की जो टेस्ट मैचेस भी है, अभी आपने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की देखे तो 4 किससे ऊपर की एवरेज पे स्कोर हो रहा है। तो हमें थोड़ी सी क्रिकेट चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है कि जो आउट ना हो, हमें ज़रा थोड़ा सा स्कोर तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा क्रिकेट में चेंज होने की ज़रूरत है। और अब उस तरह के प्लेयर्स हैं ना आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज रिक्वायरमेंट नहीं है उस तरह के प्लेयरों की। आज रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और उस तरह के प्लेयर आ रहे हैं। कल उस तरह की रिक्वायरमेंट थी तो उस तरह के प्लेयर आ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है मुकद्दम साहब, सर मुझे ये पूछना है आपसे कि पहले भी आप टीम की कोचिंग कर चुके हैं, क्या अब आप भी चाहते हैं कि दोबारा अगर आपको ये ओहदा मिले तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेड कोचिंग? बहुत मुश्किल है ये तो। नहीं, एक तो मैंने कोचिंग पहले नहीं कर रखी, और तो ये तो जिस टाइम कोई आएगी तो उस टाइम देखेंगे। अभी तो बनाया है इन्होंने, अभी मैं तो उनको गुड लक कहूँगा कि जो अभी बने हैं, क्योंकि जी कामरान बना है, समी बना है और इफ्तखार है यासिर अमीन, सो इनको गुड लक है कि जी ये अच्छा करेंगे, कि जी ये पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, फर्स्ट क्लास का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनका। सो ये अल्लाह करेगा कि जी, मैं तो नई सिलेक्शन कमेटी को गुड लक कहूँगा कि ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच सर। तो बात होती रहती है, प्लीज़ पेशावर जर्मी एंड पी एस एल ओनली। मैमूर ज़्यादा शुरू करें, बाकी सवाल के लिए हैंड रेज कीजिएगा, उसके बाद प्लीज़। और जब से पी एस एल शुरू हुआ है हम देखेंगे लॉट ऑफ प्लेयर जो हैं वो पी एस एल से आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म भी कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, खासतौर पर हम बॉलर्स की अगर बात करें तो आप इस सिलसिले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं बड़ी अच्छी चीज़ है, और पी एस एल से मेरे ख्याल में काफ़ी प्लेयर मिले हैं, बॉलर्स भी मिले हैं, बैट्समैन भी मिले हैं। देखिए एक तो ये आप है ना, इतने सारे लोग हैं ना बाहर से आके खेलते हैं, जिनके साथ हमारे यंगस्टर्स खेलते हैं, उनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस मिलता है उनके साथ, यानी कि ग्राउंड शेयर करते हैं, कि जी होटल में भी रह रहे हैं, खाना भी खाते हैं, 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, तो उनको सीखने का मिलता है कि जी इंटरनेशनल प्लेयर की या बड़े प्लेयर्स की अप्रोच क्या होती है, तो इससे फ़र्क पड़ा है। और ये कि जी हमारे लड़कों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसको अवेल किया, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लड़कों में भी बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। Thank you.
आपने फरमाया कि खेल का